हेलो दोस्तों, आज के आधुनिक युग में सीसीटीवी कैमरास को यदि इंसान की तीसरी आंख कहें तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कैमरास हमेशा वह देख रहे होते हैं जिन्हें हम एक जगह बैठकर लगातार नहीं देख सकते। और कभी कभी ये कैमरास कुछ ऐसा भी देख पाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं ऐसी ही कुछ घटनाएं जो कैमरे में कैद हो गई, वरना इन पर कोई यकीन तक नहीं करता। आज की वीडियो में दिखाई गई मिस्टीरियस और भूतहा फुटेज की प्रामाणिकता का विश्लेषण आज भी चल रहा है, और आज भी अनेकों इन्वेस्टिगेटर्स इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि ये वीडियोस असली हैं या फिर किसी कुशल एनिमेटर द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार की गई वीडियोस। लेकिन आज के एपिसोड को दिलचस्प बनाए रखने के लिए हमने आज की वीडियोस में जानबूझकर एक ऐसी वीडियो को इन्वॉल्व किया है जो कि कंप्यूटर VFX द्वारा बनाई गई है। आपको उस वीडियो क्लिप को पहचानना है और कमेंट करके हमको वो बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इन बेहद मिस्टीरियस और दिल दहला देने वाली वीडियोस को। लैंड डिगिंग। हमारा पहला वीडियो अक्रम ओहायो में रहने वाली एक लड़की ने sasquatchchronicles.com नाम की एक वेबसाइट पर पोस्ट किया है, जहां दो महिलाएं ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान एक कब्रिस्तान से होकर गुजर रही थी। उन दोनों ने दूर कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई इंसानी आकृति अपने हाथों से किसी जानवरों की तरह कब्रिस्तान के जमीन को खोद रही है, और दूर से देखने पर यह कोई औरत मालूम पड़ती है। लेकिन वो कब्रिस्तान जैसी जगह पर ऐसा क्यों कर रही थी? ये सवाल अपने आप में जिज्ञासा पैदा करने वाला है, क्योंकि कब्रिस्तान जैसी जगह जहां बिना वजह कोई थोड़ी देर के लिए भी रुकना पसंद नहीं करता, वहां ऐसे दृश्य का दिखाई देना वाकई एक मिस्टीरियस और डरावनी घटना है। इस दृश्य को देखकर वो दोनों लड़कियां बेहद डर गई और वहां से चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ वापस आकर वहां देखा तो उन्हें दो कब्रों के बीच सिर्फ वो गड्ढा दिखाई दिया जिसे उस अनजान आकृति ने थोड़ी ही देर पहले अपने हाथों से खोदा था। इस वीडियो के वेबसाइट पर पोस्ट होने के बाद आगे की जांच में पाया गया कि उस जगह के पास ही मौजूद एक CCTV कैमरे में वो खोदा हुआ गड्ढा तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब उसे खोदा गया उतनी देर की वीडियो फुटेज कैमरे से मिसिंग थी। बार घोस्ट। अगला वीडियो सिंगापुर के काटो क्लब का है। शुरुआत में ये वीडियो किसी आम नाइट क्लब के दृश्य जैसा ही लगता है, जहां एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा ड्रिंक का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन सुबह के लगभग 3 बजे वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बार काउंटर के पास पड़ी चेयर्स में से एक अचानक अपने आप हिलने लगती है और फिर गिर जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अचानक बिना किसी कारण ऐसा होना वाकई एक अजीब बात थी। मानो कोई अदृश्य शक्ति ने इन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की हो। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब ये लोग गिरी हुई चेयर को वापस ठीक करने में मशगूल थे तभी पीछे से किसी छोटे बच्चे जैसी आकृति बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उस कमरे से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। एक बार में रात के लगभग 3 बजे किसी बच्चे का चहलकदमी करना कोई आम बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है कि यहाँ कोई इस बच्चे को अपने साथ लाया हो और फिर उसे यहाँ वहाँ खेलने के लिए छोड़ दिया हो। और अगर इस बात की संभावना को मान भी लिया जाए तो इस साइज के बच्चे का इतनी तेज रफ्तार से भाग पाना असंभव ही लगता है। इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करने वाले भी ये मानते हैं कि इस वीडियो के नकली होने की संभावना बहुत कम है। कार क्रैश। इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई घटना मैट्रिक्स में आए ग्लिच का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। अगर मैट्रिक्स जैसा वाकई कुछ मौजूद है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खाली रोड से होते हुए एक कार रोड को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बीच रोड पर आते ही वो कार अचानक ही किसी अदृश्य चीज से इतनी जोर से टकराती है कि मानो वो कार सीधा किसी इनविजिबल दीवार में जा लगी हो। हो सकता है कि वहां कोई ऐसा पोल या वायर हो जो कैमरे से ऐसे एंगल पर हो जहां से उसे देख पाना मुश्किल हो और जिसकी वजह से कार रुक गई हो। लेकिन इतनी पतली और छोटी चीज से कार का इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना एक मिस्टीरियस घटना लगती है।
लेविटेटिंग बलून। आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो आपको अलग अलग तरह की भावनाओं से भर देगी, क्योंकि ये वीडियो कुछ लोगों को इमोशनल कर सकती है, तो कुछ लोग इसे देखकर हैरान रह जाएंगे, तो कुछ के लिए ये एक डरावनी वीडियो होगी। ये वीडियो फिलीपींस का है, जहां एक महिला अपने 7 साल के बच्चे का फ्यूनरल कर रही थी। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी परिजनों की आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि शोक सभा के दौरान अचानक एक सफेद गुब्बारा हिलने लगा और धीरे धीरे उस बच्चे की माँ के पास आने लगा, और माँ के पास पहुंचकर वो गुब्बारा रुक गया। इस पूरे दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो 7 साल का मृत बच्चा अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस तरह के कई गुब्बारों में से सिर्फ एक का ही एकाएक हिलने लगना कोई साधारण बात नहीं थी। यदि ये कमरे की हवा से हुआ होता तो बाकी बलून भी हिलते हुए दिखाई देते, लेकिन इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ सिर्फ एक ही गुब्बारा बच्चे की माँ के पास आता है और फिर उसके इर्द गिर्द मंडराने लगता है। ये घटना वाकई एक तरफ काफी इमोशनल थी और दूसरी तरफ बेहद मिस्टीरियस। सर्च ऑपरेशन। इस वीडियो का सोर्स और लोकेशन अज्ञात है, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग हथियार हाथों में लिए एक घर की तलाशी ले रहे हैं। शायद ये कोई सर्च ऑपरेशन है जिसे वहां की पुलिस या मिलिट्री द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में इन लोगों को घर के दरवाजे पीटने की आवाजें आने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहां कोई है या फिर शायद कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन पास जाने पर उन्होंने नजारा कुछ ऐसा देखा। होटल लॉबी घोस्ट। ये वीडियो एक होटल का है, जहां एक व्यक्ति होटल की लॉबी में घूम रहा है, लेकिन अचानक उसे अपने आगे एक धुंधली परछाई दिखाई देती है जो तुरंत उसे लॉबी के दूसरे छोर की तरफ खींचने लगती है। ये वीडियो पहली नजर में बहुत संदेहजनक लगता है, लेकिन उस व्यक्ति के जमीन पर गिरने के बाद और उसे घसीटे जाते वक्त इस आदमी की बॉडी को गौर से देखा जाए तो ये साफ दिखता है कि यह कोई CGI या VFX की करामात नहीं बल्कि संभावित सच है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर ऐसे और भी डरावने कॉटन वीडियो टेप्स देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं, और आज के वीडियो में पूछे सवाल का जवाब कमेंट में लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि चैनल पर आगे आने वाली और भी दिलचस्प वीडियो को आप मिस ना कर सकें। आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।